हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक फ्रेंड्स इस वीडियो में वाटर हीटर गेजर अभी एक लेटेस्ट एक सेफ्टी डिवाइस के साथ आ रहा है ठीक है इनबिल्ड सेफ्टी डिवाइस के साथ आ रहा है उसी के बारे में बताने वाला हूँ किसी किसी को पता होगा इसके बारे में किसी किसी को पता नहीं होगा ये इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ एक है अब ये जो गेजर है वाटर हीटर है हैवल्स कंपनी का इसमें क्या है ई एल सी बी ई एल सी बी नहीं सॉरी आर सी सी बी आर सी सी के साथ आ रहा है रेजिस्ट करंट सक्यूर ब्रेकर ओके इसका फंक्शन क्या है जब हीटर वाटर हीटर का एलमर का भी लीकेज होगा तो लीकेज होने से लीकेज करंट आपका का पानी में मिल के आपको शॉक मार सकता है ठीक है सो तो सेफ्टी व्यू से आपका क्या है जब यह लीकेज होगा तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए थर्टी मिलियमपियर वो एत लीकेज करंट अगर थर्टी मिलियमपियर से अगर ज़्यादा होगा तो इसका पावर सप्लाई को एक कट बंद कर देगा ठीक है ब्रेक कर देगा तो यही इसका सेफ्टी डिवाइस है ये बहुत बहुत जरूरी चीज़ है ये आर सी सी बी का वर्किंग पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाला हूँ अगर आप नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने नीचे दिया डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख लीजिएगा ये टेस्ट बटन है ये टेस्ट बटन किस लिए दिया हुआ आपका आर सी सी बी ठीक से काम कर रहा है चेक करने के लिए अगर ये टेस्ट बटन प्रेस करेंगे तो आपको जब पावर सप्लाई बंद हीटर का पावर सप्लाई बंद हो जाएगा ठीक है फिर ये वाला बटन रीसेट बटन है अगर ट्रिप हो गया तो ये दबाने से रीसेट हो जाएगा अगर फॉल्ट हुआ हो तो फॉल्ट ठीक होने के बाद ही ये रीसेट होगा अदरवाइज ये रीसेट नहीं होगा ठीक है थैंक यू